पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो फैसला आया आज वहाँ की पार्लियामेंट से, उन्होंने ऐलान किया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल घर वापस भेज दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशायंद खबर है। इससे न सिर्फ अभिनंदन की फैमिली बल्कि पूरे मुल्क के लोग जो हैं उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने एक इट्स अ ग्रेट जेस्चर ऑफ पीस एंड रिकन्सिलेशन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी तरफ से भी जो हमारी लीडरशिप है वो इसको रेसिप्रोकेट करेगी और कोशिश करेगी कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी है उसको डीएस्केलेट करें। और साथ ही जो इमरान खान साहब ने कल फिर दोहराया कि पुलवामा अटैक में जो भी उनको सबूत दिए जाएंगे तो उसमें वो कार्रवाई करेंगे, और चूंकि ऑलरेडी एक डॉसियर वहाँ गया हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस पर भी इमरान खान साहब जो है पूरा स्टेप्स लेंगे ताकि दोनों मुल्कों के बीच में ये जो तनाव है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस तनाव का सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं और आज भी बॉर्डर्स पे हमारे लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो जितनी जल्दी ये तनाव ख़त्म हो जाए और एक अमन का माहौल पैदा हो जाए वो उतना ही अच्छा है। और साथ ही जो हमारे अपने मुल्क की टीवी चैनल्स हैं, कई टीवी चैनल्स ऐसी हैं कि जो कोशिश कर रही हैं कि ये जो एक गुडविल जेस्चर है विच इज़ अ जेस्चर फॉर रेकन्सिलेशन एंड पीस, उसको वो डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सही बात नहीं है। इमरान खान हैज़ एक्टेड इन अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन, सो वी शुड गिव इट टू हिम।